हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। आई होप आप सभी की मेहनत बहुत अच्छे से चल रही होगी इस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, फिटर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, टॉपिक देख लेना, सब टॉपिक भी देखना है, और अभी जो क्वेश्चंस हाईलाइट हो सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, एडिशंस नहीं है फिटर एग्ज़ाम के लिए, सिंपली आप व्हाट्सएप करिए, कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन आप कर सकते हैं। 100% श्योरिटी के साथ आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको कोर्सेज से ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रहा है, तो पढ़ना वो जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये पेपर पूरा पूरा निकालने की कोशिश करना, क्योंकि इसके बाद ये 4 साल के बाद ये भर्ती आएगी, ठीक है? तो 4 साल का वेट मत करना फिर। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कार्य के दौरान यदि दुर्घटना घटित होती है तो क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना के संबंध में अपने वरिष्ठ को सूचित करना, ठीक है? अगर कोई भी कार्य के दौरान दुर्घटना घटित होती है तो क्या करना चाहिए, दुर्घटना के संबंध में अपने वरिष्ठ को सूचित करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सुपीरियर को। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बिजली के तार में आग को नियंत्रित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको वैसे भी कोर्सेज में मिल रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से ले लेना। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर रीड करता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट आंसर उसका हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये PDF चाहिए तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना, वीडियो के एंड में आपको मैं कोड बताऊंगा, कोड अगर आपका सही होगा तो अभी आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, पहले आप ध्यान से देख लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, समय की कमी है इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास समय है फिटर एग्ज़ाम के लिए, जीके एडिशन भी इसमें आपको मिल रहा है, टेस्ट भी आपको इसमें मिल रहे हैं, और फिटर का पूरा क्वेश्चंस बैंक आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, कोर्सेज से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके ये ले लीजिए, 4 साल का इंतज़ार मत करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 7 का ए। एट्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 का राइट आंसर
23 का सी, 24 का राइट आंसर, 7। में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर रीड करें, ठीक है, समय की कमी है इसकी, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। लेकिन अगर आपको फिटर के फुल एडिशन चाहिए और साथ में जीके एडिशन चाहिए और साथ में टेस्ट चाहिए तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 का राइट आंसर रहेगा इसमें सी, 26 का डी, 27 का ए, 28 का डी, 29 का, 29 का सी, 30 का बी, 31 का सी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि क्वेश्चंस देख लेना किस टॉपिक से बन रहा है, और इससे जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको कोर्सेज में मिल रहे हैं, जल्दी से ले लीजिए, फास्ट अटैम्प्ट में आपका पेपर निकल जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। 32 का ए, 33 का ए, 34 का ए, 35 का बी, 36 का सी, 37 का सी, 38 का डी, 39 का ए, 40 का सी, 41 का सी, 42 का ए, 43 डी, 44 बी, 45 सी, 46 सी, 47 डी, 48 डी, 49 बी, 50 बी, 51 बी, 52 बी, 53 ए, 54 D, 55 A,
56, डी 57, ए 58, डी 59, सी 60, सी। फ्रेंड्स अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से फिटर के लिए सारे क्वेश्चंस ले लेना, समय रहते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन है सरकारी नौकरी, जिनको चाहिए व्हाट्सएप करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कलेक्शन सारी ले लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड के टीम के अंडर ये सारी चीज़ें रेडी हुई हैं। क्वेश्चंस नहीं छूटेगा इस चीज़ की मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, 100% के साथ क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। 61 का ए, 62 ए, 63 डी, 64 ए, 65 बी, 66 बी, 67 सी, 68 बी, 69 सी, 70 70 बी, 71 बी, 72 सी, 73 सी, 74 बी, 75 सी, 76 ए, 77 बी, 78 सी, 79 सी, 80 डी, 81 ए, 82 ए, 83 डी, 84 ए, 85 ए, 86 ए, 87 सी, 88 बी, 89 डी, 90 सी, 91
बी 92, डी 93, डी 94, डी 95, ए 96, ए 97, ए 98, सी 99, सी 100, ए। इन क्वेश्चंस को करवाने का मतलब मेरा यही है कि जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपको एडिशंस में मिल रहे हैं। फिटर के जितना भी एडिशन रहेगा, चाहे जीके एडिशन, फिटर के अलग से क्वेश्चंस, ये आपको मिल जाएंगे टेस्ट के साथ। क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम ने ये रेडी किया है कोर्स, ज्वाइन कर लेना समय रहते। 5 दिन की स्टडी के साथ जाओगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। 101, बी 10 टी, सी 102 का सी, 103, बी 104, सी 105, सी 106, ए 107, सी 108, बी 109, सी 110, डी 111, सी 112, ए 113, बी 114, बी 115, सी 116, बी 117, ए 118, बी 119, डी 120, ए
121 सी, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन फिटर का होगा और 80 क्वेश्चंस जीके के होंगे। पहले 170 क्वेश्चंस का पेपर आता था, लेकिन अब 200 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। ठीक है, 122 बी, 123 ए, 124 सी, 125 डी, 126 सी, 127 ए, 128 ए, 129 डी, 130 बी, 131 डी, 132 बी, 133 ए, 134 बी, 135 ए, 136 सी, 137 डी, 138 ए, 139 बी, 140 बी, 141 डी, 142 बी, 143 बी, 144 डी, 145 बी, 146 बी, 147 सी, 148 डी, 149 सी, 150 सी, 151
152, सी 153, सी 154, बी 155, डी 156, बी 157, सी 158, सी 159, डी 160, डी 161, डी 162, ए 163, ए 164, सी 165, ए 166, डी 167, बी 168, बी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए विद सॉल्व व्हाट्सएप कर लेना 497, ठीक है, फिटर 497 ये टाइप कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है 100% श्योरिटी के साथ तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 4 साल का इंतज़ार मत करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये पेपर निकल जाएगा। एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर आपको सब कुछ अपडेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर करवाने का मतलब ही मेरा यही था कि क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं, और अभी जो अपडेटेड टॉपिक आ रहे हैं ये सारी टीम ने एनालाइज कर दिए हैं। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इस टीम को, ठीक है, क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। 169, 170, ए। अब आपने सिंपली व्हाट्सएप करना है, फिटर का फुल एडिशन कोर्स ज्वाइन करना है, 4 साल का इंतज़ार नहीं करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना ये पेपर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस टीम के अंडर जब आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपके पास होंगे ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारी टीम आपको अपडेट करके दे रही है। इसमें आपको जीके एडिशन, फिटर का, और आपको साथ में टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, छूटेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।